मैं हूँ हीरा मन्नान, एग्रीकल्चर ऑफिसर, एग्रीकल्चर सप्लाई एंड प्राइसेस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, हैदराबाद। मैं अपना बताना चाहती हूँ कि 2021 किस तरह गुज़रा, क्योंकि मैं जो है अभी न्यूली अपॉइंट हुई हूँ एग्रीकल्चर ऑफिसर BPS 17, तो ये मेरे लिए और मेरे घर वालों के लिए बेइंतहा खुशी की बात, और इतनी खुशी कि मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती, बता ही नहीं सकती उनको लफ्ज़ों में किस तरह मैं बयान करूं, किस तरह उन लफ्ज़ों को, उस खुशी को मैं अपने लफ्ज़ों में पिरोऊं, मुझे समझ नहीं आता, लेकिन बेइंतहा खुशी माशाल्लाह से, और अनएक्सपेक्टेड जो है जुनून, जो खुश कोशिश होती है वो हमें अंदर से जो विल पावर है वो ख़ुद से ही हमें बढ़ानी पड़ती है। तो जिस चीज़ की आप तमन्ना करोगे, दुआ करोगे, मेहनत करोगे, मेहनत किसी की ज़ाया नहीं जाती। तो यही है कि अल्लाह पाक का शुक्र है, मेरे माँ बाप की दुआ है कि आज मेरे पास जॉब है। तो मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ सबको कि 2021 में ही मेरा रिज़ल्ट आया और अपॉइंट मेरी 2021 में ही हुई। हुआ ये कि कमीशन बंद हो गया था, तो काफ़ी सारे जो है वो मुझे बुरा वक्त भी आया कि हम लोग ये सोच रहे थे कि हम लोग जो अभी सिलेक्ट हुए हैं तो हमें ऑफ़र लेटर मिलेंगे भी या नहीं, क्या हम आके, सब कह रहे थे कि कमीशन के जो जितने भी हैं वो सीट वो सब ख़त्म हो गई हैं, आपकी ज़ाया हो चुकी हैं, जो भी सिलेक्ट हुए हैं वो सब जो है वो कैंसिल हो गई हैं जॉब। तो बुरा वक्त भी था, वो एक लम्हा ऐसा था कि खुशी आकर चली जाए ना, वो मतलब बहुत बुरा वक्त था। तो मतलब फिर भी होप नहीं ख़त्म की हमने, अच्छी सोच थी कि इंशाल्लाह अच्छा ही होगा, किसी की भी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी। तो बस ये था, अल्लाह पे भरोसा था, और फिर यही हुआ कि अल्लाह का शुक्र है आज मैं ज्वाइनिंग लेकर, माशाल्लाह से सितंबर में मेरी ज्वाइनिंग हुई और आज जनवरी, तो माशाल्लाह से अच्छा वक्त गुजरा है, और अभी इज़्ज़त भी बहुत है, डिपार्टमेंट वाले भी बहुत अच्छे हैं, सीनियर्स भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से। तो अच्छा कि इंसान पढ़ता क्यों है जॉब के लिए, अल्लाह का शुक्र है जब जॉब मेरे पास आ गई थी तो फिर मैंने ये सबसे पहले जो है अपना जॉब को सिक्योर करना बेहतर समझा, और मेरे माशाल्लाह से टीचर्स हैं, सीनियर्स हैं, उन लोगों ने भी मुझे यही मशवरा दिया जब मेरी सिलेक्शन हुई थी, तो मेरे माशाल्लाह से चेयरमैन डॉक्टर इमरान खत्री साहब और डॉक्टर सर इम्तियाज़ निज़ामानी, तो उन्होंने भी मुझे जब कॉल की तो सबसे पहले मुझे यही कहा उन्होंने कि अब तुम चाइना का भूत अपने सर से उतार देना, चाइना मत जाना, क्योंकि माशाल्लाह से जॉब हो गई है तो अब बस जॉब को सिक्योर करो, क्योंकि उन्होंने भी अच्छे से मुझे समझाया। तो फिर वाकई घर वालों की तरफ से भी यही था और मुझे भी यही सही लगा कि जॉब को सिक्योर करना बेहतर है, तो फिर मैंने वहाँ से एडमिशन भी लिया है। वो पाकिस्तान की बैकबोन है और हमें चाहिए कि एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन यील्ड को हमें बढ़ाना चाहिए ताकि हमें मुल्क को फ़ायदा हो। बात दरअसल ये कि ज़्यादातर हमारी जो यूथ है वो जाती है या तो डॉक्टर की तरफ या फिर इंजीनियर की तरफ, इंजीनियरिंग और डॉक्टर इसी तरफ जो है जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो यही प्रेफर करते हैं कि बेटा तुमने डॉक्टर बनना है, तुमने इंजीनियर बनना है, कोई एग्रीकल्चर को मतलब गया गुजरा समझा जाता है। मेरा खुद जब एडमिशन हुआ था एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में तो मुझे ये कहा जा रहा था कि क्या करोगी तुम एग्रीकल्चर में, क्या खेती बाड़ी करोगी, और अभी तक मुझे ये कहा जाता है कि तुम क्या जॉब है तुम्हारी, खेती बाड़ी कर रही हो। मैं तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं माशाल्लाह से शिबाद बिल्डिंग में होती हूँ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट में, और माशाल्लाह से ऑफिस वर्क है वहाँ पर, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं सप्लाई एंड प्राइसेस डिपार्टमेंट की तरफ से, जैसे रेट्स का मालूम करना है होता है, पॉलिसीज़ निकालनी होती हैं, प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं, काफ़ी सारे काम, टेक्निकल वर्क होता है, बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है और हो भी रहा है एग्रीकल्चर में ताकि प्रोडक्शन बढ़े, ताकि मुल्क को फ़ायदा हो। तो यूथ को चाहिए कि एग्रीकल्चर को निगलेक्ट ना करें, इसे गया गुजरा फील्ड ना समझें, बल्कि इसमें भी आना चाहिए ताकि जितने भी गैप्स हैं वो सारे फिल हो जाएं और हमारी एग्रीकल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और हमें ही इसको संभालना है। तो कोरोना ने तो काफ़ी नुकसान किए हैं, इतने नुकसान कि उनको हम काउंट भी नहीं कर सकते, और हद से ज़्यादा सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं दुनिया भर में इसके बहुत सारे नुकसान हैं। तो जो सबसे ज़्यादा मैं मेन फोकस जो करूँगी मैं यहाँ पर अपने यूथ के लिए करूँगी, बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे ही सरमाया हैं इस मुल्क की कामयाबी के लिए, इस मुल्क के लिए। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा ऐसा भी वक्त आ गया आया था कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो
ऑनलाइन क्लासेस में जो बच्चा एक क्लास में जो फॉर्मल एजुकेशन मतलब हासिल कर रहा होता है, वो एक घर बैठे हुए सुबह उठ के ऑनलाइन पे, पहली बात तो हर किसी के पास ना लैपटॉप कंप्यूटर यहाँ तक कि टैबलेट ये सब कुछ अवेलेबल नहीं था, करना पड़ा पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए, नेट अवेलेबल नहीं था तो वो लेना पड़ा। जाहिर है हर कोई तो इतना साहिब हैसियत नहीं है ना कि उनके पास टैबलेट हो लैपटॉप हो कंप्यूटर हो वाईफाई हो हर चीज़ तो बच्चों नहीं थी, लेकिन माँ बाप ने अपने बच्चों के लिए ये चीज़ें प्रोवाइड करी ताकि उनका जो एजुकेशन में गैप आ रहे हैं वो ख़त्म हो जाए। लेकिन फिर भी सबने हालात देखे कि ऑनलाइन एजुकेशन का किस तरह हालात हुए, पेपर किस तरह दिए, बाकायदा यूट्यूब पर वीडियोज़ वगैरह भी बनी हुई थी कि वो किताबें सामने रखी हुई हैं और इंटरव्यू दिया जा रहा है, वाइवा हो रहे हैं, टेस्ट हो रहा है, पेपर हो रहे हैं ऑनलाइन, तो ये टीचर जो है वो पढ़ा के बस वो अपनी अटेंडेंस ले रही है, बच्चे जो है वो वॉइस बंद कर रहे हैं या पीछे से भी कभी शोर आ रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिस्टर्बेंस हो रही थी, तो वो एजुकेशन नहीं हो पाई जो एक क्लास रूम में होती है। तो बहुत ज़्यादा जो है अब तो माशाल्लाह बच्चे भी इस तरह हो गए थे कि वो कहते हैं कि स्कूल बंद ही रहे तो अच्छा है, लेकिन ये है कि बच्चों का बहुत नुकसान हुआ है, तो ये नहीं होना चाहिए था। कोरोना की वजह से मैं सबसे ज़्यादा जो हाईलाइट करूँगी ना वो ये है कि यूथ का इंतहा से ज़्यादा नुकसान हुआ है। न्यू लहर आई है ओमिक्रॉन की, उसमें भी अभी यही कहा जा रहा है कि स्कूल बंद होंगे। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ज़रा सा भी कुछ भी होता है, चाहे तेज़ आंधी हो या बारिश हो या लाइट, कोई भी बुरहान आता है, बच्चों के ऊपर ही सबसे पहले आफत आती है कि स्कूल बंद होंगे। तो मतलब क्या आप खुद से भी तो अपने अंदर क्रिएटिविटी रखें, खुद से आप ना कुछ भी मैनेजमेंट नहीं कर रहे होते, हर चीज़ होटल रेस्टोरेंट शादी हॉल बैंक्वेट जो भी हैं सब कुछ खुले हैं, लेकिन सबसे पहले जो एक ऐलान होता है वो होता है स्कूल के लिए। तो ये चीज़ बहुत मैं कहूँगी कि ये गलत है, मैं इस चीज़ के फेवर में नहीं। अब मैं बात करूँगी यहाँ पे यूथ के करियर के बारे में। मैंने यहाँ पढ़ा था कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पे ज़्यादातर जो है वो यूथ की जो एज है वो इसी टेंशन में गुजर जाती है कि हमें जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, और डिग्री की फ़ोटो स्टेट करवाने में ही गुजर जाती है। तो ये बहुत बुरा अलमिया है हमारे यहाँ, और मैं ये चाहती हूँ कि एक तो लोगों को अपने हालात खुद चेंज करने के लिए अपने अंदर इतनी विल पावर बढ़ानी चाहिए कि पहली तो मायूसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जाहिर है आपको फर्स्ट स्टेप पर ही एकदम से कामयाबी नहीं मिल जाएगी। मैंने भी बहुत सारे टेस्ट दिए थे, बहुत सारी जगहों पर मुझे भी नाकामी हुई थी, लेकिन कभी मायूसी भी आई थी, लेकिन यह कि फिर हिम्मत करी, फिर उठी और अल्लाह का शुक्र है आज मुकाम पर हूँ। तो मैं यही कहूँगी कि मायूसी नहीं करें आप, और आप हिम्मत नहीं तोड़ें, और यही है कि अप्लाई करते रहें हर जगह, छोटी बड़ी जो भी जॉब आ रही है हर चीज़ के लिए। अच्छा, ये भी एक हमारी यूथ के माइंडसेट होता है कि हमें एकदम बड़ी जॉब लेनी है। खुदा अल्लाह का अल्लाह गवाह है कि मेरे दिमाग में कोई ऐसा नहीं था कि मुझे एकदम से ही कमीशन पास करके वो 17 ग्रेड की जॉब लेनी है, ये अल्लाह की तरफ से हुआ। मैं छोटे से छोटा 11 स्केल के लिए भी अप्लाई करती थी, क्लर्क के लिए भी अप्लाई करती थी, हर चीज़ हर छोटी से छोटी हल, यहाँ तक कि मैंने 5-6 हज़ार में स्कूल में भी जॉब की है, लेकिन ये कि एक्सपीरियंस होता रहा और आगे बढ़ती रही, किसी भी जॉब को छोटा बड़ा नहीं समझा, और अल्लाह का शुक्र है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू मैं आज 17 ग्रेड की जॉब लेके बैठी हूँ और माशाल्लाह से आप लोगों के सामने हूँ। तो इसी वजह अच्छा एक हमारे माशरे में एक ये भी चीज़ है कि लड़कियों को इतने अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, उन्हें ज़्यादा नहीं पढ़ाया जाता, लड़कों को अच्छे स्कूल में और उनको आगे बढ़ने की चाह होती है, कि लड़कियां तो जो है वो शादी करके चली जाएंगी अपने शौहर के घर और उसको फ़ायदा देंगी। तो अच्छा मैं एक बात यहाँ पे कोट करना चाहूँगी कि शौहर जो लड़का होता है वो भी तो शादी करके अपनी बीवी बच्चों को देता है। मैंने ऐसे भी लड़के देखे हैं मर्द हजरात जो अपने माँ बाप को छुप के खाना जो है वो पिज़्ज़ा हो बर्गर हो वो छुप छुप के लेके अपने वाइफ को दे रहे होते हैं। तो वो मतलब ये सिर्फ अलमिया जो है वो लड़कियों के लिए ही है
कि ये जो है अपने शौहर के घर जाके उसको फ़ायदा देंगे, तो लड़के भी तो ऐसे ही करते हैं, वो भी तो अपनी वाइफ को फ़ायदा दे रहे होते हैं, तो ये उनके लिए क्यों नहीं होता, उनको क्यों अच्छे स्कूल में पढ़ाया जा रहा होता है। तो ये चीज़ बहुत गलत है, हमारे माशरे में ये नेगेटिविटी बहुत गलत फैली हुई है, तो मैं इसके फेवर में नहीं हूँ।